हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी गाइड एंड टीचर प्रियंका मैम। जैसे कि तुमने पहले पार्ट में देखा, 8th क्लास को ये बेसिक्स लेवल से टेंस है। आप इनको कोई भी क्लास वाला स्टूडेंट जो इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है या इंग्लिश को बेसिक से समझना चाहता है वो इस क्लास को देख सकता है। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया कि टेंस क्या होता है, टेंस होता है, इधर देखिएगा, टेंस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन विच वर्क इज डन, समय की वह अवधि जिसमें काम किया जाता है। और इस अवधि को तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने बताया कि प्रत्येक टेंस के चार हिस्से होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि हिंदी शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य बनाने की विधि भी मैंने बता दी थी कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे, और कन्फ्यूजन रहता है कि एस कौन सी वर्ब के साथ लगाएं और ई एस कौन सी वर्ब के साथ लगाएं। तो देखिए, जिन वर्ब का अंतिम लेटर, अंतिम अक्षर एस 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 सी एच डबल एस ओ एक्स जेड होता है वहाँ ई एस लगाते हैं और अन्य सभी के साथ एस लगाते हैं। और ये जो कंडीशन है वो एक वचन करता हो तभी प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस का यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, या हाउ टू मेक सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि यहाँ पे पहला सेंटेंस है, अश्विन रोज मेरे घर आता है। तो हमने देख लिया कि ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है, और अश्विन एक वचन है तो अश्विन कम्स एट माई होम डेली, इस तरह से बन जाएगा, सी ओ एम ई कम में एस लग जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, क्या हम अक्सर गाना गाते हैं। तो मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डच। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं और एकवचनकर्ता के साथ डच का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता का मतलब होता है जब काम को करने वाले एक से ज़्यादा लोग होते हैं, और एक वचनकर्ता का मतलब होता है जब काम करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में आप देखिए, क्या हम अक्सर गाना गाते हैं, तो हम कार्य को करने वाले एक से ज़्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे, डू वी ऑफन सिंग सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कभी कभी बाजार जाती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेज है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे देखिएगा, संरचना के आधार पर तीन तरह के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंसेज, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब प्रयोग में और बनाने के आधार पर बात की जाए तो सेंटेंसेज में चार तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। तो मैंने क्या कहा, नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की डू और डज। अब यहाँ पे देखिए, वह कभी कभी बाजार जाती है, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कभी कभी की इंग्लिश होती है सेल्डम, सी सेल्डम गोज टू मार्केट। वह सब्जी खरीदता है, ही बाइस वेजिटेबल्स, है ना, उसमें ही एस लगा, उसमें एस लगा दिया, इसमें भी एस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे काम करने वाला वह एक वचन है, इसलिए। संतोष क्रिकेट नहीं खेलता है, अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो संतोष डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह तो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। इधर सेंटेंस देखिए, क्या रानी तुम्हें नहीं जानती है, डज रानी नॉट नो यू, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट है उनमें सार्वभौमिक सत्य है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। वाटर बॉइल्स एट 100 degrees Celsius, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, डू यू डोंट नो, ही इज वेरी नॉटी, इस तरह से। और वर्ब की फॉर्म होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखी, वर्ब की तीन फॉर्म होती है टेंस में यूज करने के लिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे पांच फॉर्म होती है, जैसे
गो वेंट गॉन टू गो और गोइंग. टू गो का मतलब होता है जाना, गोइंग जा रहा, और गो का मतलब जाओ, और वेंट का मतलब गया, और गॉन का मतलब होता है जा चुका. इस तरह से वर्ब की फॉर्म आना तो मैं ज़रूरी है, और बेसिक जो पहचान है वो आना ज़रूरी है, और वाक्य बनाने की विधि आना ज़रूरी है. इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट के टेंस हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेज का फॉर्मेशन किया. आप वीडियो को बार बार रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना कि किस तरह से किस कर्ता के साथ कौन सी फॉर्म, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. इस तरह के सिंपल तरीके से वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बिल्कुल सिंपल तरीके से टेंस, बिल्कुल बेसिक से टेंस आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको टेंस और इंग्लिश समझना बहुत ईजी हो जाएगा. थैंक यू.